हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में आप क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करेंगे। क्रेडिट नोट क्या होता है बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी पार्टी को माल बेचा हुआ है और उस पार्टी ने उस गुड्स को रिटर्न किया है, दैट मीन्स कि सेल्स रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो कैसे पास करना है टैली प्राइम में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले स्टॉक समरी आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली स्टॉक समरी मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ओपनिंग बैलेंसेस था मेरे पास 12 पीसेस शर्ट्स का, एंड यहाँ पे मैंने 1000 पीसेस परचेज किए हैं, जिसमें से 500 पीसेस मैंने सेल किए थे, ठीक है। किसको सेल किए थे? कॉमर्स वाले को, और कॉमर्स वाले ने वापस 50 पीसेस मुझे रिटर्न कर दिया। तो मैंने क्रेडिट नोट की एंट्री मारी हुई है, ठीक है। मैं वापस आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है बेसिकली, ठीक है। हमने 500 पीसेस भेजे थे, 50 रिटर्न हुए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 और रिटर्न हो गए, तो उस 100 की एंट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए वाउचर्स में जाते हैं हम लोग। वाउचर यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने। वाउचर ओपन करने के बाद आपको अदर वाउचर्स F10 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पार्टी का नाम देना है कि कौन सी पार्टी है जिसको आपने सेल किया था। तो मैंने कॉमर्स वाले जिनको सेल किया था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जो IDs हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज आप स्किप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी क्रेडिट नोट में क्या बेचा था मैंने, तो मैंने क्या बेचा था, शर्ट्स बेचा था। उसके बाद यहाँ पे आता है कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है। तो फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी रिटर्न हुई है। जैसे आप 100 पे क्लिक करेंगे, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट मीन्स कि जिस रेट पे आपने बेचा था वो ऑटोमेटिकली रेट यहाँ पे आ जाता है। बाय चांस इन केस नहीं आता है तो आप यहाँ पे रेट डाल दीजिए, ठीक है। एंटर करना है, एंड ऑफ द लिस्ट करना है और एंटर कर देना है। करने के बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको CGST SGST भी रिवर्स करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे CGST हम ले लेंगे, ठीक है। सेल्स करते वक्त आउटपुट लिया था हमने, तो वापस यहाँ पे भी आउटपुट CGST ही लेंगे, जो ऑटो कैलकुलेट करके आ रहा है। ऑटो कैलकुलेट कैसे करके आता है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आई बटन में लिंक भी कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। एंटर करना है, वापस मैं यहाँ पर डालूंगा आउटपुट। मैंने पहले CGST ले लिया, अभी SGST ले लेता हूँ। एंटर कर दिया, यहाँ पे वापस हम एंटर कर देंगे। आपको GST के डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं तो यस कीजिए, डिटेल आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप आपके हिसाब से नरेशन डाल सकते हैं कि गुड्स रिटर्न हुआ है, फिर सेल्स रिटर्न हुआ है। जैसे एंटर करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। वापस हम स्टॉक समरी में जाते हैं। स्टॉक समरी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, शर्ट्स वापस ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि 500 का मैंने सेल किया हुआ था, 500 पीसेस। वापस 50 का ऑलरेडी एंट्री मारा हुआ था जो कि रिटर्न हुआ है। वापस 100 का मैंने यहाँ पे एंट्री मार दिया, तो 100 यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो 662 पीसेस मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैं सेल कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट की एंट्री आपको कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेबिट नोट की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।